बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजना प्रोग्राम देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे और मैं हूँ आपका होस्ट इकबाल शाहिद। तो हमारे साथ मौजूद हैं शम्स अली साहब, एमपी है पर पीटीआई से। शम्स साहब बताइए कि आप अदालतें जाने, नायब जाने, आपके वजरा जो है वो बाहर निकल के इस तरह बयानबाजी करते हैं जिस तरह उनसे रात को मिल के आए होते हैं। देखें, ये जैसे अभी आपने भी कहा, ये आज की बात नहीं है। हम तो शुरू से कह रहे हैं कि हमने एहतसाब करना है और नाम ले लेके कि ये लोगों ने जो पैसा खाया है इनको हमने वापस इनसे पैसा लेना है। तो जाहिर बात है, जब इनके खिलाफ केस है और वही बात है कि जो कहते हैं मीठा मीठा हापते कौड़ा कौड़ा थू, तो जब तो इनके प्रो आता है कोई फैसला, यहाँ तक कि ये जब ये फरार हो गए थे नैब से, उसके बावजूद इनको बेल मिल गया, सब कुछ हो गया, उस वक्त तो ये सब कुछ ठीक जा रहा था। अब अचानक जो है वो ये नैब फ्लाका कटजोड़ हो गया, फ्लाका कटजोड़ हो गया। असल में ये सारी ये कटजोड़ खुद करते रहे हैं, इनका हमेशा वतीरा यही रहा है कि इन्होंने जब मैं नवाज शरीफ साहब को आप लोगों ने खुद बताया, बात वहां से शुरू हुई है। अब वो बाहर बैठ के बीमार हैं, वो तो अपने ही कायदे संभालते हैं, तो आप लोगों को क्या? ये बिल्कुल एक नाअहल बंदा जो सारी जिंदगी के लिए नाअहल है, कॉन्विक्ट है, ये तो मैं समझती हूँ कि आईनी के तौर पर भी उसका तो ये बनता ही नहीं है राइट के जी वो उठ के तो वो आके अपनी पार्टी के कायद बने। ये तो एक मैं समझती हूँ कि गैर आईनी इस वक्त एक इकदाम है जो ये मुस्लिम लीग का ये जो हो रहा है इस वक्त, जो आज ये इन्होंने नोटिफिकेशन जो जारी किया है, तो ये आप ये देखें कि इन्होंने ये खुद स्टेट विद इन स्टेट में जारी किया, क्या किया ये चाहते हैं जी, क्या नोटिफिकेशन? ये नोटिफिकेशन ये जारी किया है कि जी कोई भी जो हमारा जितने भी मेंबर्स हैं हमारे और जितने भी मुस्लिम लीग के लोग हैं, वो ना तो किसी जो है अपना जो हमारी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है उससे या जितने भी दूसरे इदारे हैं उनसे, वो ना अपनी पर्सनल कैपेसिटी में और ना अदरवाइज वो किसी तरीके से नहीं मिलेंगे। तो मुझे ये बताया नहीं, आप मेरी एक मिनट बात सुने इकबाल साहब, कि ये मुझे आप बताएं कि आपके ये आईनी इदारों के बारे में अगर आप अपना एक फैसला इस तरह से, और वो बंदा दे रहा है जो भी बचता है, आप लोग भी कहते हैं रात को मिले दिन को, वो कहते हैं मिलते ही नहीं, देखे ना, नहीं नहीं ये बात नहीं है, ये बात कि आपने एक अपनी पूरी यानी कि उसको आर्मी को एक आईनी इदारे को निकाला, तो ये मुझे बताइए कि आप लोगों की अपना रिश्तेदारी को जमीर कोई आजादी नहीं है क्या? नहीं सकते पार्टी का मिले का मिले के शादियों पर ब्याहों पर बंदा एक दो घर आना जाना, ये तो सारा जो आ रहा है ये इधर से आपके जाते हुए बात की, तो उसने यही कहा ना कि मेरे ब्रह्म साहब कैसे लाएंगे आप लोगों को खुश करते हैं, क्योंकि एक तरफ लगाए रखते हैं, क्योंकि लोगों को तो रोजी रोटी का मसला है। मियां नवाज शरीफ को कैसे लाएंगे? कमेटियां बन रही है, आज उसे वजीर खारजा शामिल नहीं है, वजीर खारजा जिस कमेटी में शामिल नहीं है, खारजा भी नहीं शामिल, वजीर कानून शामिल नहीं है। तो देखे ना, ये जो हमारे जो पार्लिमानी मूर के जो है अपना बाबर अवान साहब वो है, और उसके अलावा जब जो जो जरूरत पड़ेगी तो जाहिर बात है वजीर उनको अपना खारजा को भी लेके आएंगे। नहीं हुआ करके तो हम इस तरह की इलीगल काम करने वालों में है ही नहीं, आज तक कभी किया ना कभी सोचा। बात सारी ये है की ये जब आप उन पर प्रेशर डालेंगे की ये देखे हमारे मुल्क में ये जो है ये एक क्रिमिनल बंदा और ये सिर्फ हेल्थ ग्राउंड पे एक गलत किस्म का वो करके हमें फ्रॉड करके बड़ा बहुत बड़ा फ्रॉड करके ये चला गया, और अब इस वक्त इसने किसी डॉक्टर को कोई इसकी रिपोर्ट नहीं है, कोई इसके पास आपकी अपनी वजीर सेहत है नहीं, देखे ना मेरी बात सुने, लेकिन मैं आपको ये बता रही हूँ उसके बाद एक साल होने को आया किसी जगह पे नहीं किया, और ये इस वक्त पूरी तरह से सेहतमंद होके और इस किस्म का ये जो बयान दे रहा है और जिस तरह ये पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो इनको तो वापस लाना ये हमारी पूरी कोशिश है, और इंशाल्लाह हम जो है शाह डार को नहीं ला सके, अली को नहीं ला सके, ये डॉक्टर जो मेरी बहन ने कहा फ्राड के साथ गए हैं, तो ये यास्मीन राशिद साहब मिनिस्टर है और वो आजकल माशाल्लाह जो अपग्रेड हो गए हैं, क्या नाम है सीओ शौकत खानम का, डॉक्टर फैसल, तो वो फेडरल मिनिस्टर की सीट पे आ गए हैं, कमाल मैनेजमेंट, और क्या बात है, और उनका कीमतें 262% बढ़ाई है, कोई इशू नहीं, ये हमने इसलिए बढ़ाई है ताकि लोगों को मेडिसिन मिल जाए, ये कमाल है डॉक्टर। अगर आप पर पाबंदी लग जाए कि कोड लगा दे कि बाहर का आदमी जो कन्विक्टेड है वो टीवी सोशल मीडिया यूज नहीं करते, फिर क्या करेंगे? कोई इशू नहीं, यहां पर रहते हुए
यहाँ पर रहते हुए मरियम बीबी के बात की, हमारी सारे मरियम बीबी तो भेजे ऑपोजिशन की कवरेज बंद की गई, और काश इमरान खान अपने दौर की थोड़ा भेज इंटरनेशनल टीवी को लेते थे, जो 126 दिन का वहाँ पर मैजिक शो लगा हुआ था सुप्रीम कोर्ट के पार्लियामेंट के ऊपर, हमारा SSP इस्लामाबाद डंडों के साथ करके दिखाया, SSP इस्लामाबाद को PTI के कारकुनों ने मिले, और उस वक्त पार्लियामेंट का इजलास हो रहा था, डंडे मारे गए और इमरान खान साहब खुद मौजूद थे, और मैं कहता हूँ कि वो सारे साहिबा भी भूल जाते हैं, और उसके बाद हवा की बेटी का केस सियालकोट मोटर में वाले भूल गए हैं, मुल्जम के पीठ पहुंच गए, एक घंटे तक करेंगे भाई 15 दिन ज्यादा बात उस पर ना किया करें, कुछ लोगों को शक में पड़ता है कहीं ना कहीं किसी ने छिपाया हुआ, ये छिपाया अगर है तो फिर गवर्नमेंट अपना काम छोड़ दे, पकड़ा है अफगानिस्तानी शो के ऊपर, क्योंकि अब्दुल्ला पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं, देखते रहिए पाकिस्तान टुडे टीवी टुडे पर। वेलकम बैक नाजरीन, हमेशा मद्देनजर रहता है तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। एक नाजरीन अहम खबर, इसमें हम वो आखिर में जरूर हमने याद रखी है, अमीर कुवैत सबा उल अहमद इंतकाल फरमा गए, और उनके गम में अदारा और हम बराबर के शरीक हैं, और कुवैती अवाम से अजहार हमदर्दी करते हैं, अल्लाह ताला उन्हें जवाहिर रहमत में जगह दे। पाकिस्तानियों के लिए यह है कि जाहिर हमारा वो बरदर इस्लामी मुल्क था, और उनकी मौत का हम सबको सदमा है। अब अपना अहल खाना का ख्याल रखिएगा, पाकिस्तान जिंदाबाद।